हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से और मेरे तरफ से तमाम हैदराबाद पब्लिक को एडवांस में ईद मुबारक और ये रमजान ईद सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबाद सिटी अमन और शांति से ये फेस्टिवल को मनाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से पूरा सिक्योरिटी और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स किया है। पूरा एरिया जहां भी ये प्रेयर्स कंडक्ट होने का है उस एरिया में सिक्योरिटी चेक्स, एक्सेस कंट्रोल्स, सीसीटीवी कैमरास और सर्विलेंस कैमरास, इनके साथ ही साथ ट्रैफिक का अरेंजमेंट्स भी हम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी और सिक्योरिटी, वुमन सेफ्टी ये सिक्योर करने के लिए तमाम हैदराबाद पब्लिक ये फेस्टिवल को एक विशिष्ट रूप से सेलिब्रेट करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम पूरा अरेंजमेंट्स किया है। इसमें हैदराबाद सिटी पुलिस का ये लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, सिक्योरिटी विंग, आर्म रिजर्व, टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच, होम गार्ड्स, ऐसे पूरा विभाग इसमें शामिल होकर हैदराबाद में सेफ्टी और सिक्योरिटी रखने में बहुत एफर्ट कर रहे हैं और पूरा अरेंजमेंट्स किया है। हमारे लिए ये उम्मीद है कि ये पूरा फेस्टिवल अमन और शांति से आगे चलेंगे। शहर में अमन व अमान के ख्याम के लिए सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी बहुत ही जस्तजू के साथ हिंदू मुस्लिम इतिहाद के लिए और इस शहर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है। और मुझे बहुत खुशी है पिछले 3 सालों से तेलंगाना बनने के बाद चीफ मिनिस्टर तेलंगाना की सरपरस्ती में जो कुछ भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं उससे पीस कमेटी भी इस्तेफादा कर रही है और पीस कमेटी भी मुकम्मल शहर को ताउन दे रही है। हमारी एक ही दरखास्त है कि ये शहर में अमन बना रहे, प्यार बना रहे और एक दूसरे का इत्तेफाक, रवादारी इस तरीके से आगे बढ़े कि दूसरे लोगों के लिए एक नसीहत बने वो और इस तरीके से भाईचारे के खास तौर से नौजवानों का जो हिस्सा है उसको भी जो है बढ़ावा मिले और ये शहर तरक्की।